वाले एक ही टाइम पे अलग अलग नूडल्स बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आज आपकी समस्या का निदान आ गया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत सारे नूडल्स मैक्रोनी एक साथ, और सबका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कढ़ाई को सबसे पहले हम बैठा लेते हैं गैस के ऊपर, और इसमें डाल लेंगे पानी। आप जितना बना रहे हो उस अकॉर्डिंग पानी डाल लें। तो ये मैंने 1 गिलास डाल लिया है पानी, इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे नमक। सो गाइज, आप जितना बना रहे हो उस अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा, मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक इसमें। सो गाइज, पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल लेंगे 2 टीस्पून ऑयल या घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल या घी। तो पानी गर्म होने के बाद इसमें डाल लेंगे हम मैक्रोनी, पास्ता, सब कुछ, जितनी चीज़ें आपके पास हैं, चाउमीन है तो उसे भी डाल लीजिए, मैगी है तो उसे भी डाल लीजिए। इसे हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, थोड़ा सा उसमें बॉयल आ जाए, एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। और गैस 2 मिनट तक ये बॉयल हो चुका है, इसके अंदर अब डाल लेंगे हमारे पास जितने तरह के नूडल्स हैं, और इन्हें भी हम इसी के अंदर बॉयल कर लेंगे। और इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा आप अधिक रखिएगा, खोलने के बाद आप निकाल सकते हैं पानी के अंदर से, बट पानी कम मत डालिएगा क्योंकि ये चिपक सकता है। तो इसे हम बॉयल कर लेते हैं थोड़ी देर ढक के। और गाइज, ये बनाने वाले हम टमाटर वाले फ्लेवर में, तो मैंने कट कर लिया है पूरे बड़े से बाउल से 1 बाउल टमाटर, और कट कर लिया है 4 प्याज, मतलब मीडियम साइज़ के ऑनियन थे, और ग्रीन चिली है 5। और मैंने पहले से भी मैक्रोनी की वीडियो, स्पेशल वीडियो डाल रखी है, उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। सो गाइस, 4 से 5 मिनट हुए हैं और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया, और इसे हम किसी भी जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर का जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, और ऊपर से हम ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। सो गाइस, थोड़ा सा इसके ऊपर से भी हम ऑयल डाल लेंगे। पहले हम डाल लेते हैं पानी, बिल्कुल ठंडा पानी डालना है हमें। तो ये मैंने पानी डाल लिया है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। तो बस 1 चम्मच के करीब पानी डाला है मैंने, और ये रेसिपी इतनी इजी है ना गाइस, बस किचन के एक दो सामान से ही तैयार हो जाती है और बेहद टेस्टी भी लगती है, ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, इसकी शाइन बढ़ गई है, और ये जो एक दूसरे से चिपकने का चांस कोई था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो ये चिपकने वाला तो बिल्कुल है नहीं। तो गाइस, कढ़ाई को मैंने बैठा लिया है, और नूडल्स भी हमारे जो भी मैक्रोनी है, नूडल्स है, सभी सारे के सारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, तो इसमें हम डाल लेंगे मस्टर्ड ऑयल। आपको जिस ऑयल से मन हो उस ऑयल से बना सकते हैं। तो ये गया मस्टर्ड ऑयल 3 टेबल स्पून, और जाएगा इसमें जीरा, जीरा जाएगा 15 से 20 दाने, और थोड़ा सा हम डाल लेंगे मूंगफली अगर आपके पास है, या आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तभी डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। सो गाइस, जीरा हमारा जल चुका है, तो इसमें डाल लेंगे जो ग्रीन चिली कट किया था, और थोड़ी सी मूंगफली के दाने हैं 15 से 20, और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, हल्का रोस्ट करेंगे, और थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें करी लीव्स का पाउडर है मेरे पास गाइस, करी लीव्स का ट्री थोड़ा दूर है तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अगर आपको इसके पाउडर की वो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं इसकी वीडियो आपको डाल देंगे। और मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, 30 सेकेंड तक मैंने फ्राई किया, और अब इसमें डाल लेंगे प्याज, और इसे भी लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे।
जैसा चाहिए था वैसा प्याज फ्राई हो चुका है, 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। तो अब इसमें डाल लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच के करीब है ये। और ये डाल लेंगे हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चटपटा नहीं होगा तो इसका टेस्ट ही नहीं आएगा बढ़िया सा। और गया इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है मैंने गाइस। और ये सारी चीज़ें 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है मैंने। तो फाइनली जो टमाटर कट किया था, क्योंकि ये टमाटो फ्लेवर में बनने वाला है तो बहुत सारे टमाटर डालना है आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी होता है। तो इसे थोड़ा हम पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। और गाइस इसे हम अच्छे से चलाएंगे ताकि ये सब एक साथ एकदम अच्छे से एक ही में मिल जाए। और ये अच्छे से चला दिया है मैंने, सारे एक साथ मिल चुके हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा बड़ा टमाटर कट किया था मैंने। और अब जो पास्ता मसाला था वो हम डाल लेंगे, 1 पैकेट इसमें डाल दिया मैंने पास्ता मसाला। और जो भी नूडल्स मंगाया था मैंने उसमें भी मसाले थे, तो वो सारे मसाले भी डाल लेंगे हम। और गजब का टेस्ट आता है गाइस, गजब का। आप एक बार बनाओगे ना तो फिर फैन हो जाओगे। और बनाने के बाद जिसका जो भी फेवरेट है, एक थाली मिलो और सारे लोग चुन चुन के खा लो, बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद फाइनली इसमें जाएगा सोया सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, 2 टीस्पून गया इसमें सोया सॉस। और ये गया टमाटो सॉस, ये तो मैं भर भर के डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टमाटो सॉस डालना। और ये गया चिल्ली सॉस, चिल्ली सॉस थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे, खट्टा भी होता है थोड़ा सा। और गाइस अप्रैल का महीना है तो धनिया पत्ता बहुत ही जल्दी सूख जाता है, तो इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है और चुटकी भर डाल दिया मैंने इसे भी ऊपर से। और अब इसमें जाएगा सारा नूडल्स। नूडल डालने से पहले मैं भूल गई थी, आप लोग मत भूलिएगा कि इसमें नमक भी जाएगा, क्योंकि नमक जो मैंने डाला था बॉयल करते टाइम वो तो निकल गया था पानी के साथ। तो नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, मेरा स्पून भी थोड़ा बड़ा ही है। और फाइनली नमक डालने के बाद नूडल्स डालेंगे हम, और देख सकते हैं भर भर के नूडल्स और मैक्रोनी सारी चीज़ें हैं। और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, और क्या गजब की, मतलब गजब का टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रहा है। टेस्ट तो अभी किया नहीं है मैंने, बट मैंने बनाया है पहले भी तो पता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। और गाइस 1 टीस्पून के बराबर अब इसमें डाल देंगे हम विनेगर, और वाह क्या टेस्ट आता है ना, कि एक बार ज़रूर ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा। तो पास्ता रेडी हो चुका है, पास्ता बोलिए या पूरा हर तरह का नूडल्स। तो अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। सो गाइस देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। सो गाइस ये है इसका फाइनल लुक, और हम लोगों ने टेस्ट भी किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब हम चलते हैं खाने, और आप लोग जाइए बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग और यूनिक रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी।